प्रदेश कांग्रेस सचिव विवेक खंडेलवाल प्रवक्ता क्रिश जोशी ने बताया कि आज शहर में निरंतर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 400 के पार हो रही है। अस्पतालों की यह हालत है कि कभी 10-10 पुरानी लाशों के कंकाल बन रहे हैं, कभी मासूम बच्चों के शव डिब्बों में मिल रहे हैं। सबसे विभत्स बात यह है कि मृत व्यक्ति की लाश को चूहे कुतर रहे हैं। ऐसे में 26 को सांवेर दौरे पर आ रहे महाराज सिंधिया को कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन कर याद दिलाया कि कांग्रेस की सरकार को उन्होंने धोखे से गिराते समय कहा था कि जनता के लिए मैं सड़कों पर आऊंगा, तो आज कंकालों को प्रतीक स्वरूप रख कर पूछा कि कब सड़कों पर आओगे महाराज। शिवराज, अस्पतालों में जगह नहीं, शमशान में जगह नहीं। नेताओं ने कहा कि सिंधिया को शर्म आना चाहिए, पूरा प्रदेश और शहर कोरोना में जकड़ा हुआ है और उन्हें उपचुनाव की चिंता है, जनता की नहीं। क्या शिवराज और सिंधिया जब आएंगे, जब शहर की सड़कों पर लोगों का इलाज होगा या सड़कों पर लोगों की चिताएं जलाई जाएगी। प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने अलग अलग नारों की तख्तियां ले रखी थी। भारतीय न्यूज के लिए दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। देखिए प्रदेश की आज जो हालत है, प्रदेश की इतनी बुरी हालत है कि अस्पतालों में जगह नहीं, शमशानों में जगह नहीं। आम आदमी इतना परेशान और दुखी हो गया कोरोना जैसी महामारी को लेकर, और हमारे पूर्व कांग्रेसी नेता जो वर्तमान में गद्दार हैं, जिनका नाम है ज्योतिराज सिंधिया ने कहा था कि मैं सड़कों पर आऊँगा अगर जनता की मांगें पूरी नहीं हुई, अगर जनता की मांगें पूरी नहीं हुई तो मैं सड़कों पर आऊँगा। तो आज समय आ गया है माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी, आज 26 तारीख को इंदौर में आ रहे हैं। आप सड़कों पर आइए और इंदौर की स्थिति देखिए, देखिए अस्पतालों में जाकर, देखिए शमशानों में जाकर कि क्या आज आम आदमी की हालत हो गई है। पैसा देने के बाद इलाज नहीं है, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, बेरोजगारी इतनी चरम पर आ गई है। अतिथि शिक्षकों के लिए आपने कहा था मैं रोड़ों पे आऊँगा, आज अतिथि शिक्षक रोड़ों पे हैं, आज सड़कों पे हैं। आप बड़े बड़े बंगलों में और हवाई जहाजों में घूम रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए। तो शिवराज जी और महाराज दोनों से मैं मांग करता हूँ कि आप सड़कों पर आइए। 26 तारीख को बड़े बड़े कार्यक्रम 7-8 करोड़ का आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं, मगर वो पैसा अगर आप आम आदमी के इलाज में लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं विवेक खंडेलवाल, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। Subscribe now to most exciting channel ever.